श्री राधे भक्तों, मैं राघव गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ लाडली लाल चैनल पे। आज हम देखिए इस तरीके की बांसुरी बनाएंगे, फ्लूट इस तरीके की लड्डू गोपाल के लिए। यहाँ मैंने मोतियों का, जरकन का और स्टोन का यूज़ किया है। इसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं लिया मैंने, एक इस तरीके का पैच बनाया मैंने। ये देखिए, आपको सीट चाहिए होगी ट्रांसपेरेंट सीट, ये आपको स्टेशनरी शॉप पर ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। इस पर हमें पैच बनाना है इस तरीके का, थोड़ा हम डिफरेंट बनाएंगे इससे। हम फ्लावर शेप में बनाएंगे यहाँ पे पैच। यहाँ पे देखिए, हमें स्टोन पेस्ट करना है। देखिए, हमने यहाँ पे ग्रीन कलर का स्टोन पेस्ट कर दिया है। इसके हमें साइड में जरकन लगानी है इसके आसपास। फिर हम ग्लू लगा देंगे पहले अच्छे से, ताकि फिक्स हो जाए जरकन। देखिए, यहाँ पे हम स्टोन चेन ले रहे हैं ये वाली। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसके आसपास जरकन लगा दी है। इसे किसी नुकीली चीज़ की सहायता से सेट कर देंगे इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से हम इसे सेट कर देंगे। देखिए, हमने इसे सेट कर दिया है। इसके बाद हम इसमें साइड में स्टोन लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ग्लू लगाएंगे पहले, फिर हम रेड कलर के स्टोन यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए, हमने रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन लिया है यहाँ पे, कि दोनों साइड हम देखिए रेड कलर के स्टोन पेस्ट कर दिए। इसके आसपास भी हमें जरकन लगानी है। इससे पहले हम यहाँ पर ग्लू लगा लेंगे इसके साइड में। इस तरीके से ग्लू हम लगाएंगे। देखिए, हमने ग्लू लगा दिया। देखिए, ये जरकन छोटा सा पीस लेके उसके साइड में इसे पेस्ट कर देंगे, और किसी नुकीली चीज की सहायता से इसे सेट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें एकदम फिक्स कर देना है, ताकि एकदम इक्वल आ जाइए। फ्लावर शेप बनाना है हमें यहाँ पे। ये देखिए, इस तरीके से हमें एकदम उसकी नुकीली चीज़ की सहायता से सेट कर देना है। इस तरीके से हम सेट कर देंगे इसे। दूसरा पीस भी हम ऐसे ही लगा लेंगे सेम इसी पैटर्न से। देखिए, पहले हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद इसे सेट कर देंगे इस तरीके से। इसे हम सेट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे सेट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इसमें हमने कंप्लीट कर लिया, ये पूरा कंप्लीट हो गया फ्लावर शेप में। उसके बाद हम इसे इतना पीस कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम ग्लू लगा के इसको एक और लेयर लगा देंगे सीट की, ताकि ये हार्ड हो जाए, पक्का मजबूत हो जाए। अब हम इसकी डंडी बनानी है। देखिए, मैंने यहाँ पे ज्वेलरी का वायर लिया है। ये देखिए, अगर आपको ज्वेलरी वायर अवेलेबल नहीं होता, ये देखिए इस तरीके का कॉपर का वायर जो घर में आराम से ईजिली अवेलेबल हो जाता है घर में, वो भी ले सकते हैं आप। देखिए, हम इसकी प्लास की हेल्प से इसे एक साइड इसकी दबा देंगे, ताकि मोती दूसरी साइड से निकले ना। देखिए, इसमें मोती हम करवाएंगे दूसरी साइड से जिस तरीके से। ठीक है, एक साइड हमने दबा दी है। देखिए, इस तरीके से हम उसमें मोती पिरो लेंगे, डाल देंगे मोती इसमें वायर में। ये देखिए, अटक गए यहाँ पे आके। इस तरीके से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, प्लास की हेल्प से हम इसे दबा देंगे, ताकि ये लॉक हो जाए। देखिए, लॉक हो चुका है। इस तरीके से अच्छे से दबा देंगे। दबाने के बाद ये कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखिए इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे ग्लू गन की हेल्प से। उससे पहले देखिए, ये लूज़ हो रहे हैं मोती, हमने टाइट करने के लिए हेड हम इसमें लपेटेंगे। जितने हिस्से में हमें पैच लगाना है, सिर्फ उतने हिस्से में हम इसे लपेटेंगे। एक्स्ट्रा हिस्से में हम नहीं लपेटेंगे, सिर्फ थोड़े से पार्ट में हम इसे लपेट देंगे, जितने में हमें पैच लगाना है। देखिए, इस तरीके से लपेटेंगे, और एक्स्ट्रा पार्ट इसका कट करके, और हमें देखिए ग्लू इसमें लगाएंगे, ताकि ये सिक्योर हो जाए, एकदम सील हो जाए। देखिए, इस तरीके से ग्लू लगा के इसके चारों साइड हम लपेट देंगे ग्लू। कुछ इस प्रकार से हम इसे ग्लू लगा देंगे। ग्लू लगा दिया हमने, कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, अब ग्लू गन की हेल्प से इसे लगाएंगे हम इसमें यहाँ पे। अब फैब्रिक ग्लू से भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ग्लू गन से थोड़ा जल्दी हो जाता है। देखिए, ये हमने यहाँ पर ये लगा दिया। इसके बाद ये देखिए, इसको पेस्ट कर दिया, ये पक्का हो चुका है। इसके बाद और मजबूती के लिए और ग्लू लगा देंगे इसके ऊपर इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने ग्लू लगा दिया, और ऊपर से इस प्रकार से ये मजबूत हो चुका है, एकदम पक्का हो चुका है इस तरीके से। देखिए, एकदम। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्री राधे भक्तों।